हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेजिटेबल्स पेस्ट यूलेकोफोरा फेविकोलिस एंड ड्रैकस कुकर बीटे। तो स्टार्ट करते हैं विद रेड पम्पकिन बीटल विच इज़ बिलोंग टू फाइलम अर्थ्रोपोडा। इसके क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। ऑर्डर से हमें पता चल जाता है कि एक बीटल है। इसकी फैमिली क्राइसोमिलिडे है। ये एशिया, अफ्रीका, साउथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब और यूपी में मिलता है। इसके जो हॉस्ट प्लांट हैं वो है कुकरबीट्स लाइक पम्पकिन, कुकुम्बर, घिया, तोरी, गॉर्ड और टिंडा। अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें तो जो एडल्ट है वो कुछ ओवल शेप का होगा, 5 to 8 centimeter लॉन्ग, और जो विड्थ है वो 4 millimeter होगी। इसमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी ऑरेंज कलर की होगी डोर्सल साइड से और ब्लैक कलर की होगी ऑन द वेंट्रल साइड। इसका जो एब्डोमन है वो कवर्ड होता है विद द वाइट हेयर्स। अगर इसके हैबिट्स की बात करेंगे तो जो एडल्ट इंसेक्ट है वो मेन डैमेज कॉज करता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। एडल्ट खुद को हिबरनेट कर लेता है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी अंडर वीड्स, बशेज एंड ग्रास एक्सेट्रा। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है इन 20 to 40 days और 5 overlapping जनरेशन देखने को मिलती है इन दी मार्च टू अक्टूबर। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स एग्स, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल बनाई हुई है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एग। फीमेल एग ले करेगी इन द क्लस्टर या फिर सिंगली नियर द रूट। जो एग हैं वो ओवल शेप के होते हैं और ऑरेंज कलर्ड एग होते हैं। एक फीमेल 60 to 300 एग अपनी लाइफ स्पैन में ले करती है, जिसका कि इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 15 days। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड एग हैच करते हैं और उनमें से क्रीमी येलो कलर का जो ग्रब है वो बाहर निकलता है। ये ग्रब फीड करेगा ऑन द रूट, अंडरग्राउंड स्टेम्स, फ्रूट्स एंड फॉलन लीव्स पर। इस ग्रब के अंदर 4 molt होंगे इन दी नेक्स्ट 12 to 25 days। और आफ्टर 12 to 25 days जो ये ग्रब है वो कम्प्लीटली ग्रो कर जाता है। आफ्टर ग्रोइंग ये अपने आप को क्या कर लेता है, एक प्यूपेट बना लेता है। जो प्यूपा है वो स्मूथ और थिक वॉल्ड होगा, ओवल होगा और मिट्टी के अंदर अर्दन चैम्बर बनाकर अराउंड 1 centimeter डेप्थ तक प्यूपेशन होगी। जो ये प्यूपा है वो पेल वाइट कलर का होता है और इसका जो पीरियड है वो 7 to 14 days का होता है। इसकी लेंथ 7.5 millimeter और विड्थ 3.5 millimeter होती है। आफ्टर प्यूपेशन या फिर आफ्टर 7 to 14 days जो प्यूपेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, प्यूपेट ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक एडल्ट बाहर निकलता है। एडल्ट ओवल शेप का होगा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑरेंज रेड कलर का होगा ऑन द डोर्सल साइड एंड ब्लैक कलर का होगा फ्रॉम द वेंट्रल साइड। इसके एब्डोमन पर वाइट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो एडल्ट है उसकी लेंथ 5 to 8 millimeter होगी और विड्थ होगी 4 millimeter। और आफ्टर 7 days ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्यूपा ये जो एडल्ट है वो एबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस एंड फीडिंग। सो जिसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी इन दी 25 to 40 days। नेक्स्ट
डैमेज कॉज करता है एडल्ट बीटल और ग्रब्स दोनों ही। ये क्या करेंगे, फीड करेंगे ऑन द फॉलीज बर्ड्स एंड फ्लावर्स। जो ग्रब है वो फीड करता है रूट्स अंडरग्राउंड स्टेम एंड बोर कर लेगा फ्रूट्स के अंदर और मैक्सिमम डैमेज करेगा सीडलिंग्स को। इसको कंट्रोल करने के लिए प्लगिंग करनी चाहिए, ताकि प्लगिंग करने से सभी इंसेक्ट और प्यूपा को कलेक्ट करके किल किया जा सके। जो अर्ली वेरिएंट है उनको ग्रो करो। जो यंगर प्लांट हैं उनके ऊपर ऐश राख को डस्ट करना चाहिए, छिड़कना चाहिए। बीटल को नेट के थ्रू पकड़कर मार देना चाहिए। 5% पैरिथ्रम को डस्टेड को छिड़कना चाहिए, या फिर लिंडेन का 1% एट द रेट ऑफ 250 लीटर पर एकड़ शुड बी स्प्रेड। नेक्स्ट जो बीटल है हमारा पम्पकिन फ्रूट फ्लाई डैकस हुकर बीटे, बिलोंग करती है फाइलम अर्थ्रोपोडा से, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डाइप्टेरा है। यहाँ से हमें पता चला कि ये एक फ्लाई है जिसकी फैमिली ट्राइपिडे है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान और जापान के अंदर। जो इसका मेन होस्ट प्लांट है वो पम्पकिन और वाटरमेलन है, लेकिन कुकुम्बर, तोरी, टमाटो, गार्ड, ब्रिंजल, पपाया और गवावा पे भी ये फीड कर सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 10-18 डेज समर और 30-35 डेज इन विंटर। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये लाइफ साइकिल है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्स। एक फीमेल 4 to 10 एग ले करती है बिलो द एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट। 80-100 एग ले कर सकती है एक फीमेल, और इस एग का साइज होता है 0.6 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, सिगार शेप्ड हैं, स्मूथ हैं, शाइनिंग और वाइट कलर के हैं। इनका इंक्यूबेशन टाइम 2-9 डेज है। आफ्टर इंक्यूबेशन टाइम जो ये एग है हैच करेंगे इनटू अ वाइट कलर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग मैगेट्स के अंदर। इनका जो फ्लाई का लार्वा होता है उसे मैगेट बोला जाता है, जिनके अंदर बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। 11 सेगमेंटेड बॉडी होती है इस मैगेट की, लेकिन लेग्स एब्सेंट होते हैं। और एक फुली ग्रोन जो मैगेट है उसका साइज 10 मिलीमीटर लॉन्ग होगा और 2 मिलीमीटर वाइड होगा। उसके बाद ये मैगेट एक प्यूपेशन क्रिएट करता है इन दिस सॉयल, और बैरल शेप और ब्राउन कलर्ड प्यूपा बनता है। 5.5 मिलीमीटर लॉन्ग और 2 मिलीमीटर वाइड होगा ये प्यूपा, और 6-9 डेज तक प्यूपेशन की फॉर्म ही रहेगी इन द समर। आफ्टर 6-9 डेज प्यूपा की ब्रेकडाउन होगी और उसमें से एक एडल्ट बाहर निकलेगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और उसके जो विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे। लाइफ स्पैन होती है इसकी 2-5 मंथ। इसकी लेंथ 7 मिलीमीटर और जो विड्थ है वो 3 मिलीमीटर होती है। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी इन समर 10-18 डेज में, और इन विंटर 30-35 डेज में। ये डैमेज कॉज करेंगे, एडल्ट फ्लाई और मैगेट दोनों ही डैमेज कॉज करते हैं, और राइप फ्रूट्स और के ऊपर फीड करेंगे और उनका जो पल्प होता है उनको पल्यूट कर देंगे। 50% फ्रूट डैमेज कर देते हैं आफ्टर द इन्फेस्टेशन। इनको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ग्रो करना चाहिए। जो इन्फेस्टेड फ्रूट है उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। 0.03% डाइमिथियोएट का स्प्रे करना चाहिए, या फिर एक बेट बनाना चाहिए 20 ग्राम मेलाथियोन प्लस 500 ग्राम जोगरी प्लस 200 ग्राम ईस्ट, और 20 लीटर वाटर में
मिलाकर स्प्रे करना चाहिए इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइफ साइकिल्स थी वेजिटेबल पेस्ट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू।